अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है। ये मेरी वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज़ में। पुलाव के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमें लेना है 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के पीसेस, 4 से 5 लौंग, 2 बादियान के फूल, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा। इन सबको मिलाकर पीस लेंगे हम और साइड में रखेंगे। यहाँ पर चिकन मैंने 1 kg लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें और साइड में रख लें। अब एक बड़े से वेसल में 1 कप ऑयल लेंगे हम और हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे कुछ, जिसमें शामिल है 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 3 पीसेस दालचीनी के, 3 से 4 लौंग, ये इसमें ऐड कर लेंगे हम और 30 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे हम। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे हम और 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे कुछ, 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून जो हमने स्टार्टिंग में मसाला तैयार किया था पुलाव का वो ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इसमें डालकर हम फ्राई कर लेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चों के साथ। देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं चिकन के साथ। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जितना हमने चावल लिया है उसका डबल पानी मेजर करके हम इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पर दही ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून और अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे। आप चाहे तो दही चिकन को मसालों के साथ भूनते वक्त भी डाल सकते हैं या इस वक्त भी डाल सकते हैं, पानी के साथ ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब मसालों के साथ दही ऐड करें तो फ्लेम को लो करके ऐड करें, क्योंकि दही फट सकता है। अब इसे ढककर हम पकने देंगे चिकन को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम राइस लिए है, बासमती राइस। आपके पास जो भी राइस का ग्लास हो या कप हो उससे आप दुगना पानी ऐड कर लें। इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिलाकर इसे ढककर पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पर और बीच में 1 से 2 बार चेक करेंगे। कुछ देर पहले पानी बहुत ज़्यादा था इसमें, देखिए अब थोड़ा सा कम है और इस चावल को हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि इवनली अच्छी तरह से पक जाए चावल, और इसे लेवल करके हम लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे दम पर 10 मिनट के लिए। कुछ देर बाद चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से पुलाव दम हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ, चावल अच्छी तरह से खिले खिले बने हैं और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। एक बार आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अब इसे डिश आउट करती हूँ मैं। मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।